السلام علیکم، عبد المجید کیف الحالک؟ ویس حسین الحمد للہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحین انا سوا سوا رو ہزا سائٹ ہزا مشکل ہے جی وی آر گوئنگ آن دا سائٹ وی ہیو سم پرابلم آن دا سائٹ ود ایئر کنڈیشن First we driving on the black road like 40 kilometer after that in the desert and in the desert mean tarab so tarab mumkin has a 16 kilometer yani 60 kilometer and after that we finish the work then come back so life is not easy in Saudi Arabia especially in the work It's always hard because weather condition is also too much hot but today's weather is little bit better and Abdul Majeed also have a gawa chai you can see this one chai he like a doodh patti yes the doodh patti Pakistani style and also they have a hair namaz ہم سائٹ پہ ہم لوگوں نے کام ختم کر لیا تو ابھی یہاں پر ایک ہمارا دوست ہے انڈین اس سے ملیں گے تھوڑی اس کے ساتھ بات کریں گے یعنی کہ عربی میں گر گر بھی کریں گے پیارا ہے یہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے وائٹ کلر کا ہے اور ایک اس کا بیبی بھی پیچھے سے نکلا ہے یہ کتنے مہینے کا ہوگا عبد المجید کم شہر ہذا عمر صغیر ممکن اربع یہ عبد المجید بتا رہا ہے کہ اس کی عمر تقریباً چار سے پانچ تین سے چار ماہ ہے یہ جو بلیک کلر کا ہے اور سیم سیم یہ وائٹ کلر کا بھی ایسے ہی ہے تین سے چار مہینے اس کی عمر ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی بیوٹیفل ہے ساری ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں شاید وہ ڈر رہی ہیں ابھی پیچھے یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دور ایک چھوٹے چھوٹے کمرے نظر آ رہے ہیں یہ فیملی کے انہیں جب بھی ویکینڈ میں یہاں پر آتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں یہ جنریٹر تقریباً قریب آ گیا ابھی یہاں
यहाँ पर ये डिश का उन्होंने रखा हुआ है एंटीना वगैरह, जिससे यहाँ पर टेलीविज़न वगैरह वो अपना चलाते हैं। उसके अलावा ये कमरे हैं, इन सब में तकरीबन एसी है, और ये जो मेन जनरेटर रखा हुआ है, जब फैमिलीज इधर आ जाती हैं तो फिर वो जनरेटर चला लेते हैं। हमारी गाड़ी उधर सामने खड़ी है, और जो यहाँ पर इंडियन है उसका नाम है बांके राम, और बांके राम अभी लगता है सोया हुआ है, धूप की वजह से थक गया है। मैं तो धूप जो है वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी आँखें मेरी तो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और ग्लासेस में गाड़ी के अंदर ही छोड़ आया हूँ। अभी बांके राम को देखते हैं कि बांके राम उठता है कि नहीं उठता है। जिला मेरा बाड़मेर है, गांव सुराय, इस जगह हम रहते हैं। उधर भी यमे संबल है, ऊँट वगैरह, ऊँट बकरी गाय भैंस सब आपके घर में है? ऊँट के नहीं है? नहीं, ऊँट हमारे घर में है। तो इंडिया में ऊँट कितने का होता है तकरीबन? इंडिया में ऊँट का कुछ है 15,000 से 10,000 तक। और ये जो बाहर सफेद रंग का ऊँट है ये कितने का था? 5,000-6,000 का हरियाल का बाहर। अच्छा, यहाँ पर पहले 3-4 दोस्त और भी थे हमारे, वो चले गए। जब भी मैं इधर डेजर्ट में आता हूँ तराब में, तो मैं बांके राम के पास ज़रूर आता हूँ, क्योंकि बांके राम मेरा 7-8 साल से यार है। बांके राम ए, ए देखो तो उस रात से खुल जाता है ये, इसको जब यहाँ क्लिक करोगे ना तो ये पूछेगा कैसे खोलना, ये कहेगा आगे आ जाएगा यूट्यूब, तो यूट्यूब को क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अभी खुलना, अभी नेट होगा तो खुलेगा। वीडियो खुल रहा है, ये से नहीं, जो व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजी होगी ना वो इस पे खुलेगी व्हाट्सएप पे, वो नीचे आती है ना ऐसे घूमना शुरू हो जाता है, फिर पूरी हो जाती है वैसे। जो यूट्यूब की होती है ये सब, तो यूट्यूब का पता लिखा हुआ है, ये क्लिक करेंगे तो यूट्यूब से जाके वो चलेगा। शबका मौजूद है ना? यल्ला रो, ओके हम चलते हैं, दूर जाना है, मंजिल बहुत दूर है। अब सीधा बस, हाँ और क्या। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और तकरीबन 1 घंटे के बाद हम ब्लैक रोड पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया, और थोड़ा नमाज पढ़ने के बाद
زور کی عصر کی نماز کٹھی پڑھ لی کیونکہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, اور ابھی ہم دوبارہ اپنے کیمپ میں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ.